कानपुर के बेगमगंज इलाके में 3 जून 2022 को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार अहमद ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उजागर किए हैं। पुलिस को मुख्तार से क्राउड फंडिंग के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। इसी के साथ पूछताछ में पत्थरबाजों के रेट का भी खुलासा हुआ है। वहीं बाबा बिरयानी के मालिक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इन सब के साथ मुख्तार अहमद पर मंदिर कब्जा करके बिरयानी की दुकान खोलने का भी आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में मुख्तार ने बताया कि 500 रुपए में 1000 रुपए देकर बाहर से पत्थरबाज बुलाए गए थे। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि हिंसा की साजिश बाबा बिरयानी की दुकान में रची गई थी। इस साजिश में 15 से 16 युवकों को हिंसा फैलाने के लिए अलग अलग टास्क दिए गए थे। पथराव के दौरान आरोपित वीडियो कॉल करके पूरे हंगामे को देख रहा था। पूछताछ में उसने कई अन्य आरोपितों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मुख्तार के आर्थिक स्रोतों के बारे में भी जानकारी जुटाई है। मुख्तार को करोड़पति बनाने में एक बैंक मैनेजर का भी नाम भी सामने आ रहा है। इसके लिए हुई धोखाधड़ी में मैनेजर भी शामिल बताया जा रहा है। उस पर नियमों के खिलाफ जाकर मुख्तार को मनमानी ढंग से लोन देने का आरोप है। हालांकि बाद में बैंक मैनेजर को बर्खास्त कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा गठित SIT जल्द ही उस बैंक मैनेजर से भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि मुख्तार अहमद को 22 जून 2022 को कानपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस की सारी पूछताछ की वीडियोग्राफी करवाई गई। हालांकि शुरुआत में उसने अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आगे की जानकारी के लिए पुलिस मुख्तार अहमद का कस्टडी रिमांड भी ले सकती है। गौरतलब है कि कानपुर पुलिस के मीडिया सेल ने ऑफ इंडिया को बताया। हम सभी अपडेट के बारे में प्रेस नोट जारी करके आधिकारिक घोषणा करते हैं। फिलहाल बाबा बिरयानी के पत्थरबाजी की फंडिंग और बैंक मैनेजर केस में अभी तक हमने कोई आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं की है, इसलिए हम इस खबर को आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही DCP पश्चिम ने फोन नहीं उठाया। पुलिस वर्जन मिलने के बाद हम उसे खबर में अपडेट करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।